नमस्कार। आज 4 अगस्त है और पिछले साल 4 अगस्त 2023 को ही मेरा ऑपरेशन हुआ था डिस्क का। मुझे स्पॉन्डोलाइटिस था, जैसे आप लोग को पता है और मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका है। और उस समय L4 और L5 में मेरा प्लेट लगा है, ठीक है। और अब तक मुझे बहुत ही कमर में पेन रहता है, पैरों में, दोनों पैरों में क्रैम्प आता रहा है, कभी राइट पैर में, कभी लेफ्ट पैर में। और अभी बीच बीच में मुझे हर सप्ताह मुझे पेन किलर एक लेना ही पड़ता है, और बाकी जितना भी मेडिसिन है स्पाइन का वो सब तो चल ही रहा है। और क्या हुआ था, अभी 3 अप्रैल को मुझे वर्टिगो का बहुत ही सीवियर अटैक जैसे आया था। उसमें बहुत वर्टिगो में ऐसा होता है कि बहुत स्पीड से ना हर 15-15 मिनट में मुझे चक्कर आ रहा था और वोमिटिंग हो रहा था, जिसके कारण सुबह 10 बजे से जो स्टार्ट था मेरा और शाम को 4 बजे तक मेरी इतनी हालत ख़राब हुई थी। उसके बाद मुझे MMI हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर मुझे फिर एडमिट किए। तो वहाँ पर जब डॉक्टर देखे तो उन्होंने बोला कि इनका ब्रेन का MRI करेंगे करके, हो सकता है ब्रेन का नस जमने से भी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है, वर्टिगो का प्रॉब्लम होता है। तो मेरे हस्बैंड बोले जब ब्रेन का ही करें MRI तो स्पाइन का भी अब कर देंगे क्या, इनका L4 L5 में जो प्लेट्स लगा है उसका, क्योंकि हमें वेल्यूस इसका रिपोर्ट मिला नहीं था, MRI रिपोर्ट हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो जब MRI जब हुआ स्पाइन का, तब मुझे रिपोर्ट आया, तब पता चला हम लोग को। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि अरे आपका तो L4 और L5 में तो ऑपरेशन हुआ है, पर L5 और S1 में भी आपका डिस्क बल्ज है, वहाँ भी आपका डैमेज है आपका, तो उसको भी उसी समय अगर ऑपरेशन कर देते तो आपको दोबारा ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। हम लोग को तो पता ही नहीं था इस सब चीज़ के बारे में। जब हम लोग सुने तो मेरे भी बहुत दिमाग ख़राब हुआ कि अरे ऐसे क्यों, कि वहाँ के डॉक्टर लोगों ने मुझे नहीं बताया था। वहाँ भी जबकि ऑपरेशन वाले दिन मेरा रात को 3 बजे मुझे MRI के लिए लेके गए थे, तो उनको तो सब पता था कि मेरे में क्या क्या प्रॉब्लम है, पर उन लोगों ने खाली L4 और L5 का ही ऑपरेशन किया था। L5 और S1 में जो प्रॉब्लम है उसका मुझे बताया भी नहीं। और जब यहाँ पर जब हुआ तो उसमें मुझे पता चला कि L5 और S1 में मुझे तकलीफ़ है, और जिसके कारण क्या होता है, मुझे बहुत अभी भी कमर में पेन रहता है क्योंकि नस दबा हुआ है। और ऑपरेशन के बाद क्या हुआ था, दोनों पैरों में मेरा अलग अलग प्रॉब्लम था, राइट पैर में अलग प्रॉब्लम था, उसमें बहुत जलन हो रहा था, 3-4 महीने तक बहुत ही जलन रहता था, बहुत इस मुश्किल से वो ठीक हुआ। जब मैंने गैबापेंटिक खाना शुरू किया 300 MG, तब मुझे धीरे 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 उससे रिलीफ मिला। और लेफ्ट पैर में क्या था, ऑपरेशन के बाद से उसमें चूँकि सेंस नहीं था, इसलिए सेकंड बार भी ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें भी क्या था, मेरे जो पैर का जो अंगूठा है वाले नस ना पूरा मेरे अभी भी दबे हुए हैं, उसमें फूड ड्रॉप का प्रॉब्लम आया है, उसमें सेंस नहीं है। तो 9 मंथ के बाद से मेरा फिजियोथेरेपी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी 3 मंथ हुआ है। और 3 मंथ में अभी मैं जब एक्सरसाइज कर रही हूँ, और मुझे फिजियोथेरेपी मेरे जो सर है वो है अभिषेक सिंह है, वो आते हैं मेरे घर में करने के लिए और मुझे अल्ट्रासाउंड देते हैं, फिर वाइब्रेटिंग वाला भी 10-15 मिनट के लिए लगाते हैं। और उसके बाद अभी 10-15 दिन से ऐसा हुआ है कि मुझे पैरों में करंट देना शुरू किए लेफ्ट पैर में, जिसमें सेंस नहीं है, फूड ड्रॉप का प्रॉब्लम है ना, तो उसमें तो जब इस तरह का प्रॉब्लम हुआ मुझे बहुत एकदम वो लग रहा था कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं एम्स में भी जब मैं गई थी ना तो एम्स वाले डॉक्टर भी बोले कि अगर आपका पेन ठीक नहीं होता है तो आपका पेन ना हम देखेंगे कुछ दिन का, फिर इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं सुन के हो गई, क्योंकि मैं 1 साल से जिस दर्द को मैं जो सहन कर रही हूँ और मैं अभी और ऑपरेशन ही कराना चाहती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और फिजियोथेरेपी दूसरे डॉक्टर लोगों को भी दिखाना चाहिए करके। तो मैं 3 ऐसे डॉक्टर लोगों को दिखाया, पहले रोहित सर को दिखाई, फिर एक कुणाल मंडलम को भी मैंने दिखाया, और एक है नीलांबर घोष करके हमारे पहचान के हैं, फिजियोथेरेपी कलकत्ता से करके आए, तो मैंने उनको बताया। तो वो घोष सर ने मुझे बहुत अच्छे से क्लियर बताया कि आपका पहले क्या प्रॉब्लम था और अब क्या प्रॉब्लम हुआ है, और ऑपरेशन के बाद जैसे आपको जो फूड ड्रॉप का प्रॉब्लम हुआ है ना, तो उसी समय से अगर आपको करेंट देना अगर शुरू करते ना तो अभी तक आपका पैरों में सेंस आ जाता। अब चूँकि 9 मंथ मतलब अभी 10-12 दिन से ही मतलब मुझे करंट देना शुरू किया है, तो मतलब बोलिए 1 साल हो गया। अब 1 साल बाद आप फूड ड्रॉप का प्रॉब्लम के लिए अभी करंट दे रहे हैं, तो उसमें बहुत ही टाइम लगेगा उसको ठीक होने में।
बाकी जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो एक्सरसाइज मुझे लाइफ टाइम भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज है उससे पैरों में भी स्ट्रेंथ आएगा, कमर में स्ट्रेंथ आएगा, स्पाइन में आएगा, तो इसके लिए मैं पूरी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और जो अब क्या है 4 और L5 में जो मेरा प्लेट्स लगा ना, तो के कारण मेरा मोबिलिटी कम हो गया है, ठीक है। अब L5 और S1 में भी मान लो अगर ऑपरेशन होता है तो आपका एक तो पहले है आपका एज हो गया और आपका शरीर इस ऑपरेशन को सेकंड ऑपरेशन को सहन नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ वो तो है क्योंकि मेरा अभी बहुत ही वीकनेस है, बहुत ही तकलीफ है, अभी भी बहुत दर्द है उठने बैठने में, फिर जैसे सोती हूँ तो करवट लेने में भी मुझे बहुत तकलीफ होता है, तो और ज़्यादा देर तक ना चल सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ, अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं सेकेंड ऑपरेशन तो मैं नहीं सहन कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही मैं अभी तक पेन से मैं गुजर रही हूँ, उस पेन से। और जिसका जिसको ऐसा होता है ना उसी वही समझ सकता है जिसका पेन ऐसा होता है। और मेरे जो बेलून में जो ऑपरेशन हुआ था ना उसी में क्या था, कुछ तो उनसे गलतियाँ होती जिसके कारण मुझे फूड ड्रॉप का प्रॉब्लम हुआ था। और अक्सर मैंने ऐसे देखा है कई लोग का जो स्पाइन का जो सर्जरी होता है वो सक्सेस नहीं होता है, जिन लोग का कुछ लोग का सक्सेस होता है, जिन लोग का नहीं होता उन लोगों को ऐसे फूड ड्रॉप का प्रॉब्लम आता है। तो फूड ड्रॉप का प्रॉब्लम के लिए भी मुझे किसी ने ये सलाह नहीं दिया था कि करंट उसी समय से देना चाहिए। अभी सर मेरे को अभी जब मैं गई इनके पास तो बोले कि अरे आप तो चलते ही हुए वेलू गए थे ना, आप तो ऐसा नहीं था कि स्टेशन में गए थे तो आपको तो ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं थी, आप अगर फिजियोथेरेपी करते और एक्सरसाइज करते ना और वेट वेट जैसे कम करते तो आपका पूरा ठीक हो जाता, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब मैंने सुना तो मेरा बहुत एकदम मुझे टेंशन होने लगा कि ऐसा अगर पहले मुझे बताए रहते। मैं जब वेलू में गई थी तो वेलू के डॉक्टर भी वही बोले कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका स्थिति और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो मुझे बहुत डर, मैं डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं 2016 से चूँकि आप लोगों को बता चुकी प्रॉब्लम था और मैं बहुत दर्द से गुजर रही थी, अक्सर क्रैम्प आता था, 1-1 घंटे तक लेफ्ट पैर में रहता था। तो मैं बहुत ही डर गई थी। अभी आप लोगों को भी अगर मान लो किसी को भी स्पाइन का अगर प्रॉब्लम है, डिस्क का प्रॉब्लम है, तो आप लोग पहले अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, सबका पहले एडवाइस लीजिए, फिर फिजियोथेरेपी को भी दिखाइए, सब डॉक्टर क्योंकि अलग अलग बातें बोलते हैं सभी डॉक्टर। मैंने भी बहुत सारे डॉक्टर को रायपुर में भी दिखाया था, भिलाई में दिखाया था, कलकत्ता में दिखाया था, सब डॉक्टरों का अलग अलग राय था और मुझे किसी ने भी क्लियर समझाया नहीं था। और अभी मैं मुझे पहली बार ऐसे फिजियोथेरेपी जो सर थे वही बोले थे कि आप इतना कुछ आप ट्रीटमेंट किए, इतने सारे लोगों के पास सब गए, पर आप अगर मेरे पास आ रहे थे तो मैं तो एकदम आपको मना ही करता कि आप ऑपरेशन मत कराओ करके। और मुझे ना मुझे अभी बहुत ही अफसोस होता है कि मैं उनके पास क्यों नहीं गई। मुझे उस समय ना इतना मतलब तकलीफ में थी कि मैं ना एकदम उनको याद नहीं था उनका नाम मुझे और जाना करके, पर अभी गई कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो चुका है। पर आगे के लिए मैं तो अब यही करूँगी कि मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, अभी भी ऑपरेशन के लिए बोले हैं और देखते हैं अगर जब बहुत ही आसानी हो जाएगा तब फिर लास्ट में अगर कोई उसका किनारा नहीं होगा तब तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्योंकि जो अभी भी क्या हो रहा है उसमें कंप्रेस हो रहा है मेरा, पहले जो था वर्टिब्रा आगे पीछे सरका हुआ था तो उसको सीधा करके उसमें प्लेट लगाए हैं, अब है मेरा क्या है डिस्क बाहर निकला हुआ है और उसमें नर्व का कंप्रेशन हो रहा है जिसके कारण मुझे फूड ड्रॉप का प्रॉब्लम हुआ है। जो भी एक्सरसाइज करते हुए वो आप लोग मैं बताऊँगी, पहले एकदम धीरे धीरे एक्सरसाइज को करना है, एकदम धीरे धीरे और एकदम सिंपल सिंपल, जिसमें कमर में ज़्यादा जोर ना पड़े क्योंकि उस समय बहुत पेन रहता है। और मैं चूँकि मुझे एक्सरसाइज करने में मतलब फिजियोथेरेपी करने में भी इतना लेट इसलिए हुआ क्योंकि मेरा 2-2 बार ऑपरेशन हुआ था, 12 घंटे तक चला था, तो मेरा पेन इतना था कि मेरा मुझे 9 मंथ बाद में ही मैं ये स्टार्ट कर पाई। क्यों और जब भी मैं उस समय फिजियोथेरेपी कराने के लिए गई 2-2 बार तो मुझे बहुत पेन पड़ गया था, बहुत ज़्यादा पेन पड़ गया था। तो डॉक्टर ने यही बोला था कि जब तक आपका एकदम कम नहीं हो जाता थोड़ा सा पेन तो आप फिर फिजियोथेरेपी स्टार्ट मत करिए करके। पर फिर जब मैं गैबापेंटी लगातार खाती रही उसके बाद फिर जब मैं अप्रैल में जब यहाँ एडमिट हुई थी MMI में, तब यहाँ के डॉक्टर ने मैं बोला कि नहीं आप फिजियोथेरेपी अभी स्टार्ट करिए, तब मैं स्टार्ट की हूँ फिजियोथेरेपी, अभी 3 मंथ हो गया है। और मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ वो आप सब लोगों को बताऊँगी, एकदम धीरे धीरे वो एक्सरसाइज को करना है। फिर उसके बाद जो जी कमर में स्पाइन में जो स्ट्रेंथ है उसको लाने के लिए भी जो करती हूँ थोड़ा सा हैवी है उसको भी आपको लोगों को बताऊँगी, एकदम धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे उसका बढ़ाते जाना है। पहले आप 5-2 बार कीजिए, फिर 3 बार कीजिए, फिर 5 बार कीजिए, ऐसे उसका धीरे धीरे टाइमिंग उसका बढ़ाते जाना है।
ठीक है, एक बार में एकदम स्पीड से हमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि उसमें ये क्या था और तकलीफ बढ़ जाता है। और मैं वर्टिगो का भी, मैं 1.5-2 महीने तक मैंने भी उसका मेडिसिन लिया है, और अभी भी उसका एक्सरसाइज करती हूँ वर्टिगो का भी। और अभी हाल ही में टेनिस एल्बो का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, जिसमें मेरे जो हाथ, ये जो है ना, यहाँ पर पूरे मेरे गठान टाइप के हो गए दोनों हाथों में। तो जब मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ ना, तो कर नहीं पाती हूँ ठीक से हाथ का जो एक्सरसाइज है, तो बहुत उसमें पेन होता है। तो उसका भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी। तो पहले मैं स्पाइन का जो भी है एक्सरसाइज वो आपको बताऊँगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर मैं आपको अलविदा लेती हूँ, नमस्ते। और मैं साथ ही अपना एक्सरे रिपोर्ट भी दिखाऊंगी, जिसमें पूरा प्लेट लगा हुआ है ना, और इसको वो आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए, अब आप लोगों को क्लियर पता चल रहा है ना कि कैसा लगा। देखिए, बीच में भी एक प्लेट है और इसमें से 4 स्क्रू लगा हुआ है,